पबजी मोबाइल के वो पुराने दिन जिनको हम कभी नहीं भूल सकते हैं। आज भी अगर हम उन ओल्ड मेमोरीज को याद करें तो आंखों में आंसू आ जाता है। तो आज वाली वीडियो में हम पबजी मोबाइल के 10 ओल्ड मेमोरीज के बारे में बात करेंगे। बट वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे एंड अगर गेमिंग से रिलेटेड कॉन्टेंट पर इंटरेस्ट रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्या आपको वो पुराने दिन याद है जब पहले हमारे एरेंगल मैप के स्पॉन आइलैंड पर काफी सारे कंटेनर्स को एक के ऊपर एक डिजाइन के लिए रखा जाता था एंड इन कंटेनर के ऊपर एक सीक्रेट आउटफिट मिलता था जिसका नेम था वाडू हेक आउटफिट। अब इस आउटफिट पर एक पेयर ऑफ शूज थे, एक पैंट था एंड एक जैकेट मिलता था जिसका कलर थीम था ब्राउन। लिटरली ये आउटफिट देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था बिकॉज पहले इतना अमेजिंग आउटफिट हमारे गेम पर नहीं आया था। एंड मेरे को आज भी याद है जब हम सभी वेटिंग लॉबी पर आते थे ना, लिटरली हम सभी के बीच में रेस लगा करती थी कि आखिर कौन पहले ये पर्टिकुलर सीक्रेट आउटफिट लेगा एंड इस रेस में काफ़ी ज़्यादा भसड़ मस्ती थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं अभी हमारे गेम के अंदर टीयर रेस्ट्रिक्शंस अप्लाई हो चुका है, यानी कि अगर आप हाई टीयर पर हो तो आप सिर्फ हाई टीयर के टीममेट्स के साथ खेल पाओगे, अगर आप लो टीयर पर हो तो आप सिर्फ लो टीयर के टीममेट्स के साथ खेल पाओगे। जिससे हो ये रहा है ना कि मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ नहीं खेल पा रहा हूँ। वैसे क्या आपको याद है पहले हमारे पबजी मोबाइल के अंदर कोई भी टीयर रेस्ट्रिक्शन नहीं था, यानी कि चाहे आप हाई टीयर पर हो चाहे आप लो टीयर पर हो आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ खेल पाओगे बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के। एंड जब से ये टीयर रेस्ट्रिक्शन लागू हुआ है ना तब से मैंने गेम खेलना लिटरली कम कर दिया है। वैसे आपको याद ही होगा जब पहली बार पबजी मोबाइल ने एलन वॉकर के साथ कोलैबोरेट किया था। अब उस कोलैबोरेशन के पर्पस में एलन वॉकर ने पबजी मोबाइल के लिए एक म्यूजिक कंपोज किया था जिसका नेम था ऑन माई वे। अब इस म्यूजिक को पबजी मोबाइल के लॉबी एंड सारे व्हीकल्स के अंदर इंस्टॉल किया गया था। मेरे को आज भी याद है वो दिन मैं अपने सारे टीममेट्स के साथ एक व्हीकल के अंदर आता था, हम सभी म्यूजिक प्ले करते थे एंड गेम को एंजॉय करते थे बिना फाइट लिए, सारे सीनरीज को एंजॉय करते थे। अब पता नहीं यार वो पुराने दिन कभी वापस भी आएंगे या फिर नहीं। भाई साहब अब हम में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने एंशिएंट सीक्रेट मोड ट्राई ना किया हो। लिटरली ये पबजी मोबाइल के हिस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट मोड है। इस मोड के अंदर हमारे एरेंगल मैप के रैंडम लोकेशंस पर कुछ टेंपल स्पॉन होते थे एंड उन टेंपल के अंदर ममीज रहती थी जिनके पास काफ़ी हाई लेवल का लूट रहता था। मेरे को आज भी याद है मैं अपने सारे दोस्तों के साथ इस हॉट ड्रॉप लोकेशन पर ड्रॉप इन करता था, मम्मी को मारता था। कई बार तो यार मम्मी मेरे को मार देती थी लेकिन यार मेरे सारे टीममेट्स मेरे को बचा लेते थे। कसम से यार ये पबजी मोबाइल के ओल्ड मेमोरी के हिस्ट्री में अब तक का बेस्ट मोड है। नाइट मोड, हाँ हाँ मुझे पता है ये आप सभी का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मोड है। भाई कसम से नाइट मोड के लिए क्या हाइप बनाई गई थी पबजी मोबाइल की कम्युनिटी में। एंड जब नाइट मोड पहली बार आया था ना कसम से यार प्लेयर्स के अंदर एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट था इस मोड को ट्राई करने के लिए। अब इस मोड को खेलने में हमें मज़ा भी आता है, डर भी लगता है एंड अलग लेवल की एक्साइटमेंट बन जाती है। अब इस मोड के अंदर हमारे एरेंगल मैप पर डे एंड नाइट पर अल्टरनेटिवली टाइम को स्विच किया जाता है एंड जब नाइट होता है ना भाई कसम से यार पूरा एरेंगल मैप एकदम अंधेरा लगता है। मैं तो अपने टीममेट्स के साथ लड़ता था कि भाई मेरे को नाइट गॉगल्स दे दो। ओल्ड एरेंगल, भाई कसम से अपने दिल पर हाथ रख के मुझे ये बताओ आप में से किसको सच में एरेंगल 2.0 पसंद आया है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ आप में से 90% लोग मुझे ये बोलेंगे कि आपको ओल्ड एरेंगल ज़्यादा पसंद था। ओल्ड एरेंगल के अंदर हम सभी ने बहुत सारे मेमोरीज क्रिएट की हैं, लाइक ओल्ड एरेंगल का हॉट ड्रॉप, उसके बिल्डिंग्स, उसके ग्राफिक्स एंड हर कुछ उसका हम सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद था। लेकिन गाइस पता नहीं अब हमारा पुराना एरेंगल कहाँ जा चुका है। बाकी अभी रिसेंटली ओल्ड एरेंगल को लेकर काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट की गई थी, लेट्स सी अपना ओल्ड एरेंगल कभी वापस आता भी है या फिर नहीं। हाँ भाई आप में से कोई ऐसा है जिसको जॉम्बी मोड के अंदर डर ना लगा हो। भाई कसम से अगर आपने जॉम्बी मोड को रात के टाइम अकेले खेला होगा ना
तो इतना डर लगता है जितना किसी हॉरर मूवी को भी देखने में ना लगे। भाई मेरे को आज भी याद है, मैं अपने सारे स्कूल के दोस्तों के साथ रात के 12 बजे रात के 2 बजे जॉम्बी मोड खेला करता था। हम सभी मिलके जॉम्बीज को मारते थे, चिकन डिनर लेते थे एंड हम सभी को काफ़ी ज़्यादा डर भी लगता था। कभी कभी तो जॉम्बी मेरे को मार देता था, कभी मेरे टीममेट्स को मार देता था, लेकिन एनी हाउ हम चिकन डिनर मोस्ट ऑफ दी मैचेस में निकाल लेते थे। कसम से यार, वो पुराने दिन कभी वापस भी आएंगे या फिर नहीं, कोई नहीं जानता है। यार आपको PUBG मोबाइल एंड गॉडजिला के फर्स्ट एवर कोलैबोरेशन के बारे में याद ही होगा। मैं रीसेंट वाले कोलैबोरेशन की बात नहीं कर रहा जिसमें मेका गॉडजिला आया था, मैं फर्स्ट वाले कोलैबोरेशन की बात कर रहा जब गॉडजिला की एक मूवी गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स के साथ PUBG मोबाइल का कोलैबोरेशन हुआ था। अब उस कोलैबोरेशन के पर्पस में रैंगल मैप के एक लोकेशन पर गॉडजिला का फुटस्टेप डाला गया था। हमारे गेम के अंदर पहली बार टीम डेथ मैच मोड को इंट्रोड्यूस किया गया था। कसम से यार, हम सभी इस फुटस्टेप वाले लोकेशन पर जाते थे, वहाँ पे बातें किया करते थे कि भाई आखिर ये फुटस्टेप कहाँ से आया, क्या गॉडजिला आने वाला है, ये फुटस्टेप को लेकर के कौन आया और ना जाने क्या क्या बातें। मिरर वर्ल्ड याद है आपको? मैं जानता हूँ आप में से हर किसी को मिरर वर्ल्ड याद है, क्योंकि यार मिरर वर्ल्ड ने हम सभी का इतना ज़्यादा केडी बूस्ट कराया था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। भाई लिटरली यार पूरे मैच में हर किसी के 5 किल, 6 किल, 10 10 किल रहते थे, क्योंकि यार अगर हम मिरर वर्ल्ड में जाते थे ना तो हम इजीली किल कर लेते थे एंड मरने की चिंता नहीं होती थी बिकॉज हम वापस से रिवाइव हो जाते थे। कसम से यार मिरर वर्ल्ड के अंदर हम सभी ने इतनी ज़्यादा मेमोरीज क्रिएट की है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। एंड आज मिरर वर्ल्ड हम सभी के लिए नॉस्टैल्जिया बन चुका है। हाँ तो भाई आज वाले वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर अपकमिंग वीडियो को लेकर कोई भी सजेशन है ना तो भाई कमेंट बॉक्स आपके लिए ही खुला है, जाओ कमेंट बॉक्स में एंड फटाफट से सारे सजेशन लिख डालो। मिलते हैं आप सभी से अपने किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।